बड़ी खबरों की तरफ। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस पर बोले पीएम मोदी, नहीं भुलाया जा सकता बंटवारे का दर्द। जम्मू कश्मीर में जैश के मॉड्यूल का खुलासा, 4 आतंकी हुए गिरफ्तार। सरकार का फैसला, पंजाब में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को ही मिलेगी राज्य में एंट्री। विजिम्स आर्म्स केस में तमिलनाडु और केरल में कई जगह एनआईए ने की रेड। असम में हैलाकांडी जिले के सीमावर्ती प्राइमरी स्कूल में बम विस्फोट, मिजोरम से फिर बढ़ा तनाव। बिहार में पटना के गंगा तटीय इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, गलियां हुई जलमग्न। बिहार में गया शेल्टर होम केस की एनसीडब्ल्यू ने जांच शुरू की, दर्ज किए गए कर्मचारियों के बयान। बिहार में हाजीपुर के बाढ़ प्रभावित तेरसिया में डूबी नाव, 2 लोगों की हुई मौत। ट्विटर ने रीस्टोर किया राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल, 1 हफ्ते पहले हुआ था लॉक। माउंट एल्ब्रस फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी बनी गीता समोटा, मुंबई एएसजी में है तैनात। देश में कोरोना के 3.87 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले आए सामने, सबसे ज्यादा केरल से नए मामले आए। देश में कोरोना के 38,667 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में 478 लोगों की हुई मौत। एनसीपीसीआर ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख को दिया 17 अगस्त की शाम 5 बजे पेश होने का नोटिस। अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर पर तालिबान का हमला, साथ ही लोगार प्रांत पर तालिबान ने किया कब्जा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी बोले, देश में अस्थिरता का गंभीर खतरा और अस्थिरता रोकेंगे। उत्तरी टर्की में बाढ़ का कहर, अब तक 38 लोगों की हुई मौत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।